यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन करते हो। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमारी लड़ाई संवैधानिक होगी और हम इंशाअल्लाह ताला बराबर तुम्हारा जवाब देंगे। आप हमें नहीं रोक सकते। अब तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम भी बोलेंगे, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो चीजें हो रही है आपके सामने, मदरसा, मस्जिद, औकाफ, लिंचिंग, गोश्त, हिजाब, किसके साथ हो रहा? किसके साथ? आपके साथ ना। अरे यहां की सबसे आसान गजा मुसलमान है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, कभी ये लोग कहते हैं दो दो तीन तीन शादियां। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन करते हो, किसी को नहीं बताते हो ना, उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर दो करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं, उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? यही जो हुआ है, इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं। वही नाजायज लोग जिनके माँ बाप का पता नहीं है। कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे हैं, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शकल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पिशाब दोनों कटा देंगे। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो। तुम्हारे पीछे केंद्र सरकार खड़ी है, तुम्हारे पीछे दिल्ली की पुलिस खड़ी है, इसलिए तुम्हारे जबान से ये भाषा निकलती है।